हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोरोजन के बारे में जानेंगे। एक्चुअल में बच्चों, कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें मेटल या मेटल से बने हुए आर्टिकल्स आसपास की एनवायरनमेंट में प्रेजेंट एयर, ऑक्सीजन या मॉइस्चर से के साथ केमिकली रिएक्ट करने लगता है, और एज ए रिजल्ट क्या होता है कि मटेरियल जो है हमारा धीरे धीरे ग्रेजुअली डिटोरिएट होने लगता है और उसकी चमक चली जाती है, और कई बार ये ख़राब भी हो सकता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। ओके, तो इन सिंपल वर्ड्स हम लोग लिख सकते हैं, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड by substances around it, ये अराउंड इट कौन कौन से सब्सटेंस हो सकते हैं? सपोज मॉइस्चर है, ऑक्सीजन भी हो सकती है, एयर है, एसिड भी कई बार प्रेजेंट होता है, एटसेट्रा। देन हम कहते हैं कि हमारा सब्सटेंस खराब हो रहा है, मीन्स देन इट इज सेड टू कोरोड, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। ओके, कोरोजन के बहुत से एग्जाम्पल हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल वन, रस्टिंग ऑफ आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है कि आयरन अपने आसपास जो एयर प्रेजेंट है उसमें ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर दोनों है, उसके साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रस्ट। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि जो सिल्वर है, चांदी है, इससे बने हुए जो भी आर्टिकल्स होते हैं, जब नई रहती है सिल्वर तो बहुत ही शाइनिंग होती है, वाइट कलर की दिखती है सिल्वरी, लेकिन समय के साथ ये इसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है। देखा है आप लोगों ने? तो ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर सेकेंड एग्जाम्पल है। सिल्वर के केस में सिल्वर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सल्फर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जिसकी वजह से ये ब्लैक दिखाई देता है। ओके, थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, जो हमारे पूजा के बर्तन होते हैं या घर में पीतल के या कॉपर के तांबे के बर्तन होते हैं ना, तो समय के साथ वो भी कुछ ब्लैकिश दिखाई देने लगते हैं, उनके ऊपर कुछ ग्रीन कलर की कोटिंग भी आ जाती है। तो जो ग्रीन कोटिंग आती है, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ये ग्रीन कोटिंग जो कॉपर की बन जाती है, ये एक्चुअल में कॉपर कार्बोनेट की होती है, और इसमें भी कॉपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से ये कोटिंग बनती है। ओके, तो ये था कोरोजन। तो कोरोजन में हमें क्या समझ में आया कि इसमें मेटल या मेटल से बनी हुई चीज़ें एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट चीज़ों के साथ केमिकली रिएक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे ग्रेजुअली डिटोरिएट होने लगती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। ओके,